कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी द्वारा चलाई जा रही संदेश यात्रा आज हरियाणा के कैथल में पहुंची। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को दोहराते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आई तो देश में ना लोकतंत्र रहेगा ना ही प्रजातंत्र। हरियाणा में दलित भाई बहनों की क्या परिस्थिति ये आप जानते हैं। आदरणीय शैलजा जी बताएंगी, मैं केवल दो उदाहरण आज और परसों का दूंगा। आज के अखबार में खबर है कि 1.25 लाख से अधिक रविदास या वाल्मीकि सैंसी धारणक एससी के हमारे बच्चों को सरकार ने वजीफा नहीं दिया। एक साल से 80,000 से अधिक पिछड़ा वर्ग के साथियों को, वो जामड़ा धीमान समाज से हो, वो कश्यप प्रजापत समाज से हो, वो पांचाल सेन समाज से हो, किसी समाज से भी हो, बैकवर्ड क्लास के, आज तक उनके बच्चों को वजीफा नहीं दिया। बीपीएल के गरीब, जो कोई गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, जाट गुज्जर राजपूत भी हो सकता है, किसी और श्रेणी से भी हो सकता है, उनके 80,000 से 90,000 बच्चों को उनका वजीफा नहीं दिया। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी, क्या आप जानते नहीं कि गरीब का बेटा और बेटी तो वजीफा लेकर तरक्की करके बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ता है। आप उसकी वो फीस भी छीन लेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे। वही कुरुक्षेत्र के पिहोवा में भी संदेश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि आज न्याय की जरूरत है, इसीलिए कांग्रेस द्वारा संदेश यात्रा निकाली जा रही है। देश यही है कि चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, जो लड़ाई न्याय यात्रा वही न्याय की जरूरत है। आज आप यहाँ की बदहाली देखिए, आप लोगों को देखिए, गरीब को देखिए, शहर का हाल देखिए, गांव शहर में आपको कोई विकास नजर नहीं आ रहा। जो हमारे समय की जरूरत वो भी आज जर्जर हो चुका है। यहाँ जरूरत है कि गरीब का कोई हाथ थामे, यहाँ जरूरत है किसान का, मजदूर का हाथ थामे। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हम सब मिलकर लोगों के बीच में राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे खुशी है आज संदीप ओंकार जी ने यहाँ पर इतना बढ़िया और शानदार कार्यक्रम किया है। नजर आ रहा है कि लोगों का लगाव इनके साथ कितना है और उन्होंने जो ये सारा काम कर रहे हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, उनका प्यार नजर आता है और आगे मेहनत। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा के साथ कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।